तो भाई लोअर चेस्ट से परेशान हो लो ये लोअर चेस्ट नहीं बन के आ है क्या करें भाई कौन सा एक्सरसाइज करें लोअर चेस्ट लटक रहा है भाई ये जो वीडियो देखने वाले हो आप सारा उसमें इसका सोल्यूशन है सारा एक्सरसाइज देखोगे फॉलो करोगे और अपने लोअर चेस्ट को बिल्कुल ही जर से सही करोगे जिससे कि लटकने लटकने जो भी सिचुएशन है हेलो भाई लोग कैसे हो आप लोग स्वागत है आप स्वागत सभी का गौरव झा फिटनेस में भाई लोग आज आपको भाई बताएगा कि कैसे अपने लोअर चेस्ट को अच्छा करें भाई लोअर चेस्ट बहुत मेरे भाई का लटक के आता है लोअर चेस्ट आपका अच्छे तरीके से नहीं बन के आता इस तरीके से अगर आप चाहते हो कि आपका लोअर चेस्ट बिल्कुल सेप में दिखे लटके नहीं तो कौन कौन सा एक्सरसाइज करेंगे आज इस वीडियो में आप देखोगे इस तरीके से कैसे अपने लोअर एप्स को लोअर चेस्ट को सॉरी लोअर चेस्ट को कैसे अच्छा करें और आज इससे कि आपका चेस्ट लटके नहीं और बिल्कुल सेप में दिखे कौन कौन सा एक्सरसाइज होगा सारे कुछ मैं डब्बल से बताऊंगा आपके पास डब्बल नहीं है तो ईट के साथ करोगे ईट नहीं है तो आप बोटल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो वेट के जगह पे सारा एक्सरसाइज इजी होने वाला है और सारा टारगेट हो हमारे लोअर वाले चेस्ट पे ध्यान से देखना वीडियो कोई कोई नहीं तो सब पूछना गौरव झा जो फिटनेस नाम से इंस्टाग्राम है लोअर चेस्ट का वर्कआउट चाहिए आप लोग को तो ये वीडियो देखो अच्छे तरीके से फॉर्म करो ठीक है भाई लोअर चेस्ट के लिए कौन कौन सा एक्सरसाइज आप कर सकते हो ठीक है तो आज सारा एक्सरसाइज देखोगे आप लोग की लोअर चेस्ट को कैसे अच्छा करें अगर आपका लोअर चेस्ट बहुत ही लूज बहुत ही लूज कह सकते हो आप ढीला कह सकते हो वह तो लोअर चेस्ट पे काम करना है तो कौन कौन सा एक्सरसाइज करना होगा डंबल के साथ मैं बताऊंगा अगर आपके पास डंबल है तो उस बहुत अच्छी बात है डंबल नहीं है तो ईट के साथ परफॉर्म कर सकते हो <coughs> बैग के साथ परफॉर्म करो बोटल के साथ परफॉर्म करो जो मर्जी के साथ परफॉर्म करो बट वेट की जगह पर इस्तेमाल आप कर सकते हो जो भी चीज आपके पास है मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं वर्कआउट आपको करना ही करना है तो पहले तो आप सिंपल क्या करो कि वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हो तो कुछ मैं बोलूंगा कि आप पुशअप्स लगा लो ठीक है दस पंद्रह पेशेंट्स का पुशअप्स लगा लोगे उसके बाद आप बाकी का लोअर चेस्ट पे काम करोगे पहले चेस्ट को तो पहले पंप करना होगा ना पहले को पंप कर लेंगे उसके बाद लोअर चेस्ट पे काम करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो हाथ को थोड़ा बाहर की तरफ रखेंगे भाई ठीक है और हाथ को बाहर की तरफ रख के चेस्ट पे फोकस करके दस बार एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस <coughs> तो दस रेपेशन का आपका ये सिंपल पुशअप्स हो गया चेस्ट के लिए तो दस तो रिपीटेशन लगाओ पंद्रह लगाओ बीस लगाओ दो से तीन सेट आप लगा लोगे तो आपका चेस्ट पंप हो जाएगा सिंपल सा बात है कि वाइट ग्रिप से अगर आप लगाते हो तो चेस्ट आपका पंप हो जाएगा चेस्ट पे आपको फर्क दिखेगा उसके बाद आप चेस्ट का कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा चाहे अपर चेस्ट भी करो लोअर चेस्ट भी करो आज हम देख रहे हैं कि लोअर जनरली लोअर से नहीं सही बन रहा है भाई लटक कर रहा है चेस्ट वगैरह टी शर्ट वगैरह पहनते हैं तो टी शर्ट वगैरह पहनते हैं तो चेस्ट हमारा मतलब अजीब दिखता है लगता है कि ज्यादा फैट आए तो इस पर स्पेशली टारगेट करने के लिए कौन कौन सा एक्सरसाइज होगा देखो भाई <coughs> सबसे पहला एक्सरसाइज आप डम्बल लो बोटल लो बुक लो बैग लो जो मर्जी लो ठीक है सिंपल जो हमारा चेस्ट प्रेस होता है उसमें ये वेरिएशन डालना है हमको ठीक है करना है कि आपको कमर को थोड़ा ऊपर करना है जिससे कि लोअर चेस्ट पे आपका फर्क पड़े और लोअर चेस्ट आपका कमर के ऊपर रखेंगे सारा फोकस हमारा बना रहेगा सिर्फ अपर चेस्ट लोअर चेस्ट पे ठीक है और डंबल को बिल्कुल सामने की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन तो ये हमारा हो गया

Six, seven, जब भी आप डाल ये यहां पे लगाएंगे तो हम मिड सेक्शन पे एड करेंगे डम्बल को आगे की तरफ रखेंगे जिससे कि हमारा लोअर चेस्ट एक्टिव हो वन टू थ्री फोर एंड फाइव रिलैक्स तो ये हमारा हो गया लोअर चेस्ट पे काम करने के लिए सारे एक्सरसाइज साथ साथ करते हो बीच में आपको रेस्ट लेने का रेस्ट लेने का टाइम मिले तो आप उस टाइम पे सिंपल वाइट डिग्री पुषप एड कर सकते हो जिससे कि आपका चेस्ट

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. इसमें भी हमारा क्या हुआ लोअर चेस्ट अच्छे तरीके से टारगेट हो रहा है भाई और एक और एक्सरसाइज़ है लोअर चेस्ट का जो भी आप लोअर चेस्ट अगर लगा रहे हो तो

चेस्ट प्रेस हो गया केबल मतलब क्या बोलते हैं फ्लाइज हो गया सिंपल इनर चेस्ट पे हो गया तो इस पूरा आपका ये टारगेट हो गया नेक्स्ट एक्सरसाइज कोई सा भी सांबल कोई सा भी और सामने की तरफ लेके आओगे ये आपको क्या करना है बल बिल्कुल नाइनटी डिग्री पे इसको रखना है और नंबल बुक बैग जो भी है बस सामने की तरफ लेके जाना है इंगेज होगा आपका लोअर चेस्ट वन टू थ्री फोर फाइव बहुत ही बवाल एक्सरसाइज है बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है आपका लोअर चेस्ट से परेशान हो आप लोअर चेस्ट नहीं बन के आ रहा है तो एक्सरसाइज करोगे तो आपका लोअर चेस्ट बिल्कुल ही अच्छा होके आएगा ठीक है यहां पे रखेंगे सामने, सामने की तरफ ले जाओगे साथ में थोड़ा प्रॉब्लम है <coughs> इस यहाँ पर हो गए सामने ले जाओगे अपर चेस्ट लोअर चेस्ट पंप वन टू थ्री फोर फाइव रिलैक्स तो ये आपका हो गया भाई लोअर चेस्ट का कुछ एक्सरसाइज जो कि आप अपने चेस्ट जिस दिन चेस्ट वर्कआउट कर रहे हो उस दिन ऐड करके अपने चेस्ट को बेहतर करना चाहते हो लेकिन आपका लोअर चेस्ट नहीं बन के आ रहा है तो ये लोअर चेस्ट पर काम करके अपने लोअर चेस्ट को भी अच्छा कर सकते हो कम टाइम के अंदर में और ये अगर वर्कआउट ऐड करोगे आप हर दिन जिस दिन चेस्ट वर्कआउट करते हो दो दिन से अगर लोअर चेस्ट का ट्राई कर लोगे तो आपका लोअर चेस्ट भी बेहतर होकर आएगा लोअर चेस्ट भी आपका घर पर ही बन के आएगा बिना इक्विपमेंट के बिना जिम के अगर करना चाहते हो तो ईट वगैरह से भी कर सकते हो पोस्चर बिल्कुल सेम रहेगा बस चार पाँच एक्सरसाइज है जो फॉलो करना है तीन से चार सेट और बेहतर से बेहतर अपने चेस्ट बेहतर से बेहतर अपने चेस्ट को बिल्ड करना है मिलते हैं तो सेफ्टेल दी इंस्टा पे फॉलो करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है बाकी जो मर्जी थोड़ा के आप लोग बात कर सकते हो ठीक है भाई लोग